तो उत्तराखंड की उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने कथित लव जिहाद के मामले को लेकर 15 जून को पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि पुलिस जिले में ये सब नहीं होने देंगे, अब न ही किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि जिले में ये सब कुछ हम होने नहीं देंगे, किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। काशी हो, देहरादून हो, कहीं पर भी, सब जगह कहीं पर भी किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब जगह शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी हर हालत में, और उसके लिए जितने आवश्यक कदम हैं सब उठाए जा रहे हैं। मैं सभी पक्षों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरोला में लव जिहाद के मामले के बाद चिंगारी भड़की हुई है। इस तरीके से लोगों में गुस्सा है कि 15 जून को एक महापंचायत का आह्वान किया गया है। हालांकि प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि महापंचायत का आयोजन नहीं होगा। धारा 144 पुरोला में एसडीएम की ओर से लगा दी गई है और ये कहा गया है कि बिना अनुमति किसी को भी किसी तरीके का प्रदर्शन करने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। पंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है, तमाम जनपदों से फोर्सेज मंगाई गई हैं। पुरोला ही नहीं बल्कि उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में भी अच्छी खासी पुलिस फोर्स लगाई गई है। डीजीपी ने पुलिस कप्तान को निर्देश दिए हैं कि तमाम थानों की पुलिस लगाई जाए, शांति व्यवस्था बनाई जाए, और इसके साथ ही जो लोग प्रदर्शन करना चाह रहे हैं उन लोगों को शांत तरीके से समझाया भी जाए। जिला अधिकारी ने इसे लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं और खुद सरकार की ओर से भी ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि हिंदू पंचायत होने की आसार पूरे तरीके से नज़र आ रहे हैं, लेकिन अनुमति न होने के चलते अब ये पंचायत होगी या नहीं होगी ये ज़रूर देखना होगा। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। तो चलिए अब आपको इस खबर से जुड़ी हुई पूरी अपडेट भी बता देते हैं, क्या है पूरा मामला। पुरोला में कल हिंदू संगठनों की महापंचायत होनी थी, महापंचायत को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। तो महापंचायत के चलते धारा 144 भी लागू है। सीएम धामी की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी इस बीच आई है। हिंदू संगठनों के जवाब में मुसलमानों की महापंचायत भी देखने को मिली और 18 जून को मुस्लिम समुदाय की महापंचायत, ये ऐलान किया गया है मुस्लिम समुदाय की तरफ से। महापंचायत के खिलाफ एससी का सुनवाई से इनकार हो गया। कानून बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जमीयत अध्यक्ष ने लिखी गृह मंत्री और सीएम को भी चिट्ठी। महापंचायत से बढ़ेगा सांप्रदायिक तनाव, जमीयत की तरफ से इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी लव जिहाद केस पर यह बड़ी खबर आ रही है। महापंचायत के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। महापंचायत के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है। कानून बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को होने जा रही महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। आज वकील शाहरुख आलम ने हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए वैकेशन बेंच के सामने मामला उठाया था। महापंचायत के खिलाफ सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। महापंचायत के खिलाफ याचिका खारिज की गई है। आप हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखें, कानून बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी, ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। Z News।